जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सैनिकों के लिए डिफेंस सैलरी पैकेज बहुत ही फायदे की बात है, और जब तक एक सैनिक सेवारत रहता है, यदि उसका सैलरी अकाउंट डीएसपी अकाउंट के तहत काम करता है, तो उसको ढेरों सुविधाएं डीएसपी अकाउंट से दी जाती है, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मोड फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा मिलना, और जो जितने भी टाइप के लोन्स है, चाहे होम लोन है, कार लोन है, बाइक लोन है, इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का कम होना, और साथ ही इनकी प्रोसेसिंग फीस का माफ़ होना। समय समय पर सभी बैंक्स डीएसपी की सुविधाओं को रिवाइज करते रहती है। आज हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सैनिकों के लिए 4 जनवरी 2022 से जो डीएसपी की फैसिलिटीज़ में एडिशनल कुछ फैसिलिटीज़ ऐड की गई है, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी। आइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीएसपी अकाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है गोल्ड स्कीम, जो जेसीओ एंड ओआर के लिए है। उसके बाद है डायमंड स्कीम, जो लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक के लिए, और तीसरी है प्लेटिनम स्कीम, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबोव रैंक के लिए लागू है। अब हम देखेंगे साथियों कि जो मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा है, वो डीएसपी अकाउंट में आप नील रख सकते हैं, यानी जीरो बैलेंस में भी आप अपना डीएसपी अकाउंट को रख सकते हो। इसमें आपका मिनिमम बैलेंस का कोई चार्जेस नहीं काटा जाएगा। साथ ही जो आपको एटीएम दिया जाएगा, एटीएम कम डेबिट कार्ड, वो इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड और इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड, उसके बाद में ये साथियों जो गोल्ड है वो जेसीओ एंड ओआर के लिए है, और डायमंड और प्लेटिनम यानी ऑफिसर्स के लिए प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, और फ्री इश्यू एट ऑल एसबीआई ब्रांचेज, यानी ऑल ओवर इंडिया जो कहीं से भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डीएसपी एटीएम ले सकते हो। इसके ऊपर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं रहेगा, और एडिशनल स्पाउस के लिए या जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए एक और एड ऑन कार्ड आप ले सकते हो। इसके साथ ही जो ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो ऑल ओवर इंडिया, एक महीने में आप हर एक किसी भी एटीएम पर कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब आ गया साथियों, नेक्स्ट जो इसकी फीचर्स है वो है मल्टी सिटी चेक्स। इसके जो मल्टी सिटी चेक्स होते हैं वो हर एक ब्रांच के ऊपर पेबल होते हैं, और एक महीने के अंदर आप 25 चेक्स की लीव है जो फ्री प्राप्त कर सकते हो। और इसी के साथ आप चेक बुक की रिक्वेस्ट ऑल ओवर इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसका फीचर है वो है इजी ओवरड्राफ्ट अप टू 2 मंथ्स नेट सैलरी, यानी आपकी सैलरी यदि एक महीने की 50,000 बन रही है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट लिमिटेड टू 2 मंथ्स नेट सैलरी विथ मैक्सिमम ऑफ 75,000 जो है जेसीओ एंड ओआर के लिए, और लेफ्टिनेंट से लेके मेजर तक के लिए 1,50,000 रुपये, और लेफ्टिनेंट कर्नल अबोव 2 लाख रुपए की एडवांस जो ओवरड्राफ्ट सैलरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, जेसीओ ओआर के लिए 10% दिया जाएगा, और लेफ्टिनेंट से मेजर के लिए 15%, और लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबोव के लिए 25% जो लॉकर रेंट चार्जेज में फीस माफ की जाएगी। अगली फीचर्स है वो है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विद इन एसबीआई। यदि आप चाहते हो कि हर महीने आपको किसी अकाउंट में फ्री पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अप्लाई कर सकते हो, और जो डेट और आप अमाउंट दोगे उस समय पर उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, आरटीजीएस एनईएफटी चार्जेज कुछ भी नहीं लगेगा, कितने का भी आप आरटीजीएस और एनईएफटी करवा सकते हो। नेक्स्ट, आप जो ड्राफ्ट इश्यू चार्जेज, यदि नॉर्मल अकाउंट रहेगा तो ड्राफ्ट के इश्यू चार्जेज भी लगते हैं, लेकिन यदि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है तो आपको ड्राफ्ट मेकिंग चार्जेज पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब आता है साथियों लोन स्कीम के ऊपर जो फीस होती है, प्रोसेसिंग चार्जेज। तो होम लोन के ऊपर 100% प्रोसेसिंग फीस है, वेव ऑफ है। कार लोन के ऊपर भी 100% प्रोसेसिंग फीस वेव ऑफ है, प्लस 5% रिलैक्सेशन इन मार्जिन, ये एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है। और एक्सप्रेस क्रेडिट जो लोन, पर्सनल लोन लेते हैं, उसके ऊपर भी 100% प्रोसेसिंग है फीस, वो डीएसपी अकाउंट में वेव ऑफ की गई है।
अब नेक्स्ट है साथियों की फैमिली सेविंग अकाउंट SBI रिश्ते करके एक नई स्कीम आई है। ये DSP की फैसिलिटी जो है आप अपने परिवार में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और सिबलिंग के लिए यदि अकाउंट SBI रिश्ते के तहत खुलवाते हो तो उसके अंदर भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। कम जो मिनिमम बैलेंस की फैसिलिटी है वो आप जीरो बैलेंस रख सकते हो। उसी के साथ इश्यूएंस ऑफ डेबिट कार्ड आपको फ्री रहेगा, SMS अलर्ट चार्जेज आपकी फ्री रहेगी और जो डिमांड ड्राफ्ट इश्यू चार्जेज है वो भी फ्री रहेंगे। इसी के साथ जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल है ये आपके लिए ऑप्शनल है। यदि आप फैमिली मेम्बर का ये करवाना चाहते हो तो इसको भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो। ये ऑप्शन साथियों अभी नया आया है तो आप भी अपने परिवार में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और सिबलिंग के अकाउंट को SBI रिश्ते में कन्वर्ट करवा सकते हो ताकि उनको भी ये फ्री फैसिलिटीज़ मिलती रहे। अब लास्ट में आता है साथियों जो सबसे बड़ा फीचर है इसका, कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर है। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर यदि डेथ हो जाती है सर्विंग सोल्जर की उसको 50 लाख रुपये वन टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ में एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट ऑब्लिक नक्सलटीज ऑब्लिक फॉरेन एनिमी के साथ में यदि डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख की जगह 60 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ यदि कोई सोल्जर परमानेंट ऑब्लिक टोटल डिसेबल हो जाता है तो उसको मैक्सिमम 50 लाख रुपये उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे और यदि परमानेंट पार्शियल डिसेबल हो जाता है तो भी उसको मैक्सिमम 50 लाख रुपये तक का ग्रांट और कवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DSP होल्डर को दिया जाएगा। अब इसी के साथ में यहाँ पे एडिशनल कवर्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ओनली, यदि एक्सीडेंटल डेथ है उसके अंदर जो एडिशनल कवर दिए गए हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केसेस 10 लाख रुपए तक और डेड बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5 लाख रुपए तक। उसी के साथ डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंट 48 घंटे कोमा में रहने के बाद यदि डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक, एयर एम्बुलेंस का खर्चा 10 लाख रुपए तक, हायर एजुकेशन कवर फॉर वन चाइल्ड एज्ड 18 to 25 ईयर्स 5 लाख रुपए तक और उसके सोल्जर की डॉटर की मैरिज के लिए मैक्सिमम एक लड़की के लिए 5 लाख रुपए तक। इसी के साथ फैमिली ट्रांसपोर्टेशन, यदि किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो जो भी दो इमीडिएट उसके घर वाले सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं तो उनको मैक्सिमम 20,000 रुपये तक दिए जाएंगे और साथियों रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेंस के लिए 20,000 रुपये तक और एम्बुलेंस चार्जेज के लिए 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे। अब साथियों इसमें एक एडिशनल फैसिलिटी कवर की गई है, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। यदि हवाई यात्रा के दौरान किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है एयर एक्सीडेंट के कारण तो उसको 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। साथियों इसमें ढेरों सुविधाएँ हैं इसलिए मैं तमाम देश के सैनिकों, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के सोल्जर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपने अपने सैलरी अकाउंट को एक बार चेक जरूर करवा लें बैंक में विजिट करके। आप बैंक से पता करें कि आपका जो अकाउंट है क्या वो DSP अकाउंट है या नहीं। यदि आपका DSP अकाउंट है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप एक सर्विस सर्टिफिकेट बनवा के अपने अकाउंट को DSP अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें ताकि आपको ये ढेरों सुविधाएँ मिलती रहे। तो साथियों ये थी जानकारी आपके लिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य सैनिकों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अपने अकाउंट की स्टेटस चेक कर सके और यदि DSP अकाउंट नहीं है तो DSP में कन्वर्ट करवा सके। और फाइनली यदि आपने सैनिक समाचार इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।